दोस्तों आज एरर कोड 43 इसकी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम चले जाते हैं डिवाइस मैनेजर पे। डिवाइस मैनेजर आने के बाद हमने जो है डाटा केबल लगा दिया है प्रिंटर के साथ, तो यहाँ पे डिवाइस मैनेजर इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी ड्राइवर नहीं है और नीचे एक रेड कलर का डिस्क्रिप्टर फेल्ट दिखा रहा है, कोड 43 इस तरह से आ रहा है। मेरा जो डाटा केबल है वो इनसेट करा हुआ, फिर भी यहाँ पे विंडोज हैज स्टॉप एट दिस डिवाइस बिकॉज इज रिपोर्टेड प्रॉब्लम कोड 43। तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, हम इसकी ड्राइवर आईडी को कॉपी कर लेते हैं, इसकी जो ड्राइवर है उसको इंस्टॉल करेंगे। मेरा जो प्रिंटर है वो प्रिंटर का मॉडल नंबर है क्योसेरा FS1020 MFP। तो यहाँ पे मैं फायरफॉक्स ओपन कर लेता हूँ। फायरफॉक्स गूगल में जाके आप यहाँ पे लिख देंगे क्योसेरा FS1020 MFP ड्राइवर, तो यहाँ पे क्योसेरा का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। वहाँ से आप अपना विंडोज सिलेक्ट करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने मोबाइल से डाउनलोड कर लिया क्योंकि मेरा पीसी में इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैं एक जिप फाइल देख सकते हैं आ गया है, इंटरनेट से डाउनलोड होता है। इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इस तरह से। एक्सट्रैक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक्सट्रैक्ट हो गया है, यहाँ पे एक फाइल निकल के आ गया है देख सकते हैं। इस पर हम ओपन करते हैं, 220 MB का हो गया है, इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा सेटअप का, यहाँ पे देख सकते हैं सेटअप, लास्ट में एक सेटअप का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके आपको एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है इस तरह से। नीचे आप देख सकते हैं सेटअप का, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये रहा सेटअप एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मेरा जो एप्लीकेशन ओपन हो गया, लेकिन यहाँ पे ड्राइवर नहीं दिखा रहा है। ऊपर की तरफ एक 1020 का एक वो दिखाएगा, ड्राइवर इंस्टॉल करने वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो हम इसको सही करेंगे दोस्तों। अभी मैं एक बार डिवाइस मैनेजर में देख लेता हूँ कि मेरा जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल
नहीं हो रहा है क्यों। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी जो है रेड कलर येलो कलर का डिस्क्रिप्टर फेल्ड दिखा रहा है। यहाँ पे प्रिंटर में कुछ भी नहीं शो हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी केसर का कोई नाम नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी भी 43 इरर कोड आ रहा है। इसको एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। मैंने डाटा केबल भी लगा दिया और एप्लीकेशन भी ओपन कर लिया, फिर भी ड्राइवर नहीं आ रहा है। इसमें दोस्तों पीसी में कुछ भी फाइल अगर मिसिंग हो जाता है तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, पीसी में चेक करेंगे कौन सा फाइल मिसिंग है। सबसे पहले हम रजिस्टरी में जाएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे REG। तो यहाँ पे रजिस्टरी रिटर्न में आ जाएगा, इसको ओपन कर लेंगे। REG आपको सर्च करना है। यहाँ पे आप ओपन कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा दोस्तों एच की लोकल मशीन, मैं दोबारा से मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है, देख सकते हैं इस ऑप्शन को आपको फॉलो करना है, एच की लोकल मशीन। देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद सिस्टम पे जाएंगे। उसके बाद कंट्रोल में जाएंगे। कंट्रोल उसके बाद सर्विसेज में जाएंगे। उसके बाद यूएसबी स्टोर में जाएंगे। यूएसबी स्टोर आपको नीचे की तरफ मिल जाएगा। आपको देख लेना है यूएसबी स्टोर कहाँ पे लिखा हुआ है, उसको आपको ओपन करना है। यहाँ पे दोस्तों मिल चुका है यूएसबी स्टोर। उसके बाद हम चले जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एरर कंट्रोल, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं एक लिखा हुआ है, इस एक को हम हटा के 3 लिख देंगे। देख सकते हैं एक वैल्यू डाटा A1, वैल्यू डाटा 1 इसको हम काट कर 3 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसको काट देंगे और सी ड्राइव में चलेंगे, विंडोज़ पे चलेंगे, सिस्टम 32 में चलेंगे, ड्राइवर स्टोर में चलेंगे। सिस्टम 32 इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ड्राइवर स्टोर में चलेंगे। ड्राइवर स्टोर हम देख लेते हैं कहाँ पे है। सर्च करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों। ड्राइवर स्टोर इस जगह पे आपको अगर ड्राइवर स्टोर नहीं मिलता तो यहाँ पे सर्च बॉक्स में आप सिलेक्ट
ड्राइवर स्टोर लिख के भी आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ड्राइवर स्टोर, ऊपर ही तरफ मिलेगा, ये रहा ड्राइवर स्टोर। उसके बाद हम चले जाएंगे फाइल रिपोजिटरी, उसके बाद हम यहाँ पे एक ऑप्शन निकालेंगे USB स्टोर INF N64, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से। कॉपी करने के बाद विंडोज़ पे चलेंगे और INF फाइल में चलेंगे। और इसमें पेस्ट कर देंगे INF इस फोल्डर में चलेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है दोस्तों। अभी हम यहाँ से निकल जाते हैं और हम चलते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। दोस्तों एक बार मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं, देखता हूं कि इसमें जो ड्राइवर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो एक बार सेटअप पे क्लिक कर देता हूं और इसको एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। क्योंसरा का जो 1020 MFP ड्राइवर है उसको हम ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आ चुका है FS 1020 MFP, देख सकते हैं USB इस तरह से आ चुका है, मतलब हमारा जो ड्राइवर है ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुका है। देख सकते हैं, मैं एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद भी ड्राइवर है, देख सकते हैं ड्राइवर है। एक बार हम डिवाइस मैनेजर में चलते हैं, दिस PC राइट क्लिक मैनेज, डिवाइस मैनेजर, यहाँ पे प्रिंटर में चलेंगे। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ये वाला कलर चला गया, और यहाँ पे प्रिंटर ऑप्शन में यहाँ पे देख सकते हैं क्योंसरा FS 1020 आ चुका है। देख सकते हैं दिस ड्राइवर इज वर्किंग प्रॉपरली, मतलब ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। इस तरह से दोस्तों आपका भी प्रॉब्लम आता है तो आप इस तरह से सही कर सकते हैं। देख सकते हैं क्योंसरा की जितने भी फाइल है वो ड्राइवर है इंस्टॉल हो चुका है। एक बार मैं प्रिंटर और ड्राइवर में एप्लीकेशन में देख लेता हूँ कि हमारा जो है ड्राइवर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे डिवाइसेस में चलते हैं, यहाँ पे मेरा इंटरनेट चालू है 4G। उसके बाद हम प्रिंटर और इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्योंसरा का 1020 डाउनलोड हो चुका है। इस तरह से आप ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। अगर फिर भी आपका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो आप एक बार डाटा केबल को चेंज करके देख लो, नया डाटा केबल आप लगा के देख लो, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्यूशन हो जाएगा। धन्यवाद।